शासन स्तर से आज जो है एक वीसी के माध्यम से एक मीटिंग संपन्न किया गया है। मीटिंग के जो प्रमुख बिंदु थे उसमें ये तय हुआ है कि समस्त जनपदों में मास प्रोफिलैक्सिस के रूप से जो है आइवरमेक्टिन दवा का वितरण जो है सभी ग्राम पंचायतों में किया जाए। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 6 गोलियों का किट बनाकर दिया जाए और परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं उनको ये किट उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें हम लोग आशा कार्यकर्ती और हमारे जो बीएलओज होते हैं इनका मदद लेंगे। इस दवाइयों के प्रोक्योरमेंट के लिए शासन स्तर पर जो निर्णय हुआ है उसके अनुसार 50% दवाई को 50% दवाई को जो है जिला स्तर पर क्रय किया जाएगा। 50% जो दवाई होगी उसकी उपलब्धता डीजी ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी और इसके साथ साथ जो है अन्य समस्त सामग्री है जिसमें सैनिटाइजर्स हैं, पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, उसका संख्या को भी निर्धारित किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50 किट्स न्यूनतम उपलब्ध कराया जाना निर्धारित किया गया है जिसको आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाया भी जा सकता है और नगर क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में 100 मेडिकल किट का लक्ष्य दिया गया है जिसको कि हम लोग को उस वार्ड के जो नोडल ऑफिसर होंगे उनके पास उपलब्ध करना होगा जो कि वार्ड में जो भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है या फिर जिसमें लक्षण नजर आता है ऐसे व्यक्ति को दिया जाना उसमें औचित्यपूर्ण रहेगा। साथ में शासन ने यह भी निर्देश दिया हुआ है कि हम लोग के जो आरटीपीसीआर टेस्ट में जो समय लग रहा है जिससे कि काफी जनता को समय लगने से दिक्कतें हो रही हैं उसको कम करने के लिए उसका समस्या का समाधान करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट के किट को अधिक मात्रा में क्रय किया जाए उसको उसका इस्तेमाल किया जाए सैंपलिंग के पर्पज से। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने जनपद में अभी 40,000 रैपिड एंटीजन किट्स का ऑर्डर दे दिया है जो कि हमारे जनपद के व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक रहेगा। इसके साथ साथ प्रत्येक विकास खंड में प्रत्येक एमओआईसी स्तर पर भी किट को उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न ग्राम पंचायतों में कैंप्स भी लगाए जाएंगे। हमारे स्तर पर जो है बीडीओज के माध्यम से एसडीएम्स के माध्यम से और वहां के जो एमओआईसीज हैं पीएससीज और सीएससीज के इनके माध्यम से विभिन्न ग्राम पंचायतों में मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं जिसके वजह से हमारे काफी सारे व्यक्तियों जो पॉजिटिव हैं उनका पहचान करना आसान हो रहा है और उनको समय से इलाज पहुंचाना भी हमारे लिए आसान हो रहा है। वर्तमान में जनपद में पर्याप्त ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स उपलब्ध हैं, आईसीयू का क्षमता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा चुका है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि आप बिल्कुल पैनिक सिचुएशन में ना जाए, हमारे पास जो सुविधा उपलब्ध है उसमें हम लोग आपको पूरा इलाज जो है जिला अस्पताल स्तर पर आपके सीएससी स्तर पर भी उपलब्ध करा सकते हैं। आपको बस ये करना है कि जब भी आपको लक्षण आता है, जब भी आपको संक्रमण होने की संभावना लगती है, अपने आप को आप डॉक्टर से सलाह मसलत करने के लिए आगे आइए, अपने आप को पीएससी या सीएससी के पास लेकर आइए और जो भी आपको वो दिशा निर्देश देते हैं, इलाज के लिए गाइड करते हैं, उसका अनुपालन करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा।